उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मुस्लिम मदरसों को निशाना बनाते हुए बड़ा विवादित बयान दिया है। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा, भगवान ने उन्हें मौका दिया तो पूरे देश के मदरसों को बंद कर दूंगा, क्योंकि पूरे देश के मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं और इन मदरसों से ट्रेनिंग लेने के बाद निकलने वाला आदमी आतंकवादी बनता है और उसकी सोच भी आतंकवादी बनती है, क्योंकि कश्मीर के मदरसों से पढ़कर आतंकवादी मन्नान वानी भी पढ़ने के लिए अलीगढ़ पहुंचा था। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल 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 आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था, मैं तो और कहीं दूर कहा जाऊं। जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वो है, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।